हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक और ब्रांड न्यू टेकोमीटर के एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग जब फोन को एक्सचेंज करते हैं तो जो है बहुत बड़ी आसानी से इसको फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं और हमको लगता है कि फोन बिल्कुल सेफ है, कोई कुछ रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फोन को रिकवर किया जा सकता है। इससे कैसे हम बच सके, कैसे पूरी तरीके से जो है फोन को रीसेट कर सके हम, उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो हम लोग फोन को रीसेट कर देते हैं ना, फोन अच्छे से रीसेट नहीं होता। वो बस उसका जो एड्रेस होता है, जो एड्रेसेस रहते हैं कि हाँ ये फाइल का ये एड्रेस है, तो उस एड्रेस को वो लोग हट जाता है एड्रेस का। लेकिन हाँ, मतलब कोई भी रिकवरिंग टूल्स से जो है इन्हीं डिलीटेड फाइल्स को जो है आप फिर से रिकवर कर सकते हो। तो इसलिए जब आप फोन किसी को दें तो ये स्टेप जरूर अपनाएं। देखिए दो स्टेप मैं बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है आपको कि आपके फोन से सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट कर ही देना है। आपने फोन फॉर्मेट कर दिया, अभी क्या होता है कि आपको फोन फॉर्मेट करने के बाद आपने क्या किया कि आपका जो इंपॉर्टेंट फाइल थे उसको आपने डिलीट कर दिया, चले गया वो आपके फोन से। अभी आपको क्या करना है, आपके फोन में फिर से आपको जंक फाइल्स भरने हैं, पूरा स्पेस फुल करना है। ठीक है ना, जितना भी स्पेस है आपके इंटरनल स्टोरेज में वो स्पेस फुल करना है आपको जंक फाइल से, जो जरूरत नहीं है बिल्कुल, आपको उससे फुल कर दिया। फिर से आप अभी क्या करना है आपको कि आपके फोन में एनक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स में आप जाइएगा, वहां पे सर्च होगा ऊपर, सर्च में आप सर्च कीजिएगा एनक्रिप्शन, फोन एनक्रिप्शन करके, तो वो आपको एनक्रिप्शन दिखाएगा। तो एनक्रिप्शन आप ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट कर दीजिएगा। अभी जब आपने फैक्ट्री रीसेट कर दिया तो इससे होता यह है कि आपने जो जंक फाइल्स भरा था, जंक फाइल्स को आपने एनक्रिप्ट करके जो आपने फॉर्मेट किया, तो आपका जंक फाइल जो है आपके मेन फाइल्स को जो है दबा दिया। मतलब अगर कोई चाहेगा रिकवर करने का तो उसको जंक फाइल्स ही मिलेगा, वो भी इधर उधर मतलब उल्टे सीधे फॉर्म में, क्योंकि ना एनक्रिप्शन आपने ऑन किया था तो, और दूर दूर तक आपके मेन फाइल से कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। ये जो प्रोसेस है आपको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको एक बेसिक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, अगर आपके पास एक फोन ही है, चलो आपने फाइल ए को कॉपी किया, मान लीजिए आप नंबर ए नंबर का जो फाइल है उसको आपने कॉपी किया, आप उसको पेस्ट करना भूल गए कहीं और पे, जहां पे आपको पेस्ट करना था, उसी के बाद जो है आपने फाइल बी को कॉपी किया, ठीक है ना। अभी जब आप पेस्ट किए, आपने जब पेस्ट किया एक जगह में, तो आपका आप देखिएगा, आपने नोटिस किया होगा कि फाइल बी पेस्ट होता है ना कि फाइल ए पेस्ट हो, यानी कि ये जो है कि आपका जब आपने किया तो फिर जो ए फाइल ए जो है वो दब जाता है फाइल बी के ऊपर, तो फाइल ए जो है पेस्ट नहीं होता। सेम वही चीज आपको यहीं पे अपनाना है कि जब आप पुराने फाइल्स की जगह में नए जंक फाइल जब आप भर देते हो, और नए जंक फाइल भरने के बाद जब आप एन्क्रिप्शन करके जो आप उसको फॉर्मेट करते हो, तो आपका जो नए जंक फाइल्स है वो आपके पुराने मेन फाइल्स को जो है वो दबोच देता है, जिससे कि आप जब कोई ट्राई करेगा वो पुराने आपके मेन फाइल्स को रिकवर करने का, तो वो रिकवर कर ही नहीं पाएगा। उसके जगह में जो है नए जंक फाइल जो आपने भरा था लास्ट टाइम को, वो ही उसको मिलेगा, तो उससे उसका कोई फायदा होने नहीं वाला। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपका वीडियो, ये वाला जो टॉपिक था, वो आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज की डेटा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, और लोग जो है अगर उनको किसी का भी डेटा मिल जाए तो वो एज अ वेपन उसको यूज करते हैं। अभी तो डेटा ही सब कुछ बन जाता है लोगों के फोन कंप्यूटर्स में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम के लगे, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिसको भी जरूरत है शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप डिसलाइक भी जरूर कर सकते हैं। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें, और देखते जरूर रहें अल्टरनेट व्हील्स। जय हिंद।